8087 आर्किटेक्चर इंटरनल ब्लॉक डायग्राम। देखिए जो 8087 होता है उसको न्यूमेरिक प्रोसेसर भी बोलते हैं। न्यूमेरिक प्रोसेसर 8087 जो कि एक को प्रोसेसर होता है जो डिजाइन किया जाता है, जो उसका वर्क होता है, जब वो वर्क करता है 8087 तो 8086 प्रोसेसर के कंट्रोल में वर्क करता है वो। इसी वजह से ही इसे को प्रोसेसर बोला जाता है क्योंकि वो 8086 के कंट्रोल में वर्क करता है, उसके साथ वर्क करता है। टोटल 40 पिंस का ये होगा, यानी कि जो डीआईपी पैकेज है इसकी 40 पिंस की होगी, लेकिन ये डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज में अवेलेबल होता है, जैसे कि 5 मेगाहर्ट्ज़, 8 मेगाहर्ट्ज़ और 10 मेगाहर्ट्ज़। ये क्या करते हैं, 8086 के साथ भी कंपेटेबल होता है, 8088 के साथ भी कंपेटेबल होता है, 80186 के साथ, 80188 के साथ, इन सब के साथ ये इजीली कंपेटेबल होता है। देखिए जो 8086 है वो सपोर्ट करता है, यानी जो ओपकोड फेच होता है, परफॉर्म करता है ओपकोड फेच साइकिल्स को और आइडेंटिफाई करता है इंस्ट्रक्शन 8087 को। 8086 का काम क्या होगा, ओपकोड को फेच करना, ठीक है, और जो भी ओपकोड फेच हुआ है उसकी जो इंस्ट्रक्शन आएगी वो जाएगी 8087 के पास। 8086 8087 को आइडेंटिफाई करेगा कि ये इंस्ट्रक्शन आई है। अगर एक बार 8087 आइडेंटिफाई कर देता है, हो जाता है, 8086 8087 को शो करता है कि इंस्ट्रक्शन है, तो 8087 फिर उसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। ये कपल्ड होते हैं 8086 और 8087 जो कि मास्टर और स्लेव कॉन्फ़िगरेशन में वर्क करते हैं। ये कंफ्यूज नहीं होइए, 8086 और 8087 दोनों इकट्ठे वर्क करते हैं, कॉम्बिनेशन में वर्क करते हैं। जब भी 8086 अपनी एग्जीक्यूशन साइकिल को कंप्लीट कर लेता है, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर देता है, तो जो भी रिजल्ट होगा वो फिर से सीपीयू में जाकर स्टोर हो जाता है। ये जो ऑपरेशन होता है, जो प्रोसेस होता है 8087 का, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, जो कि ईजी होता है, ईजी वो उसका एग्जीक्यूट करता है। अब ये तो हो गई हमारी इसकी इंट्रोडक्शन। हाँ, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो 8087 है उसे किसी भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को जो सपोर्ट करने के लिए किसी और सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। और 8087 68 नई इंस्ट्रक्शंस को 8086 की इंस्ट्रक्शन सेट में ऐड कर देता है, यानी 68 और ज्यादा इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, इंस्ट्रक्शन सेट, न्यू इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है वर्क करवाने के लिए, ताकि जो प्रोग्रेस है वो अच्छे से हो। अब देखिए जो 8087 है, टू सेक्शन में इसे डिवाइड किया गया है, क्योंकि हम आर्किटेक्चर कर रहे हैं तो सिर्फ टू ही सेक्शन होते हैं। एक होते हैं न्यूमेरिक एग्जीक्यूशन सेक्शन यूनिट, या फिर कंट्रोल सेक्शन, या फिर कंट्रोल यूनिट इसे बोल सकते हैं। इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं 8087, ये जो सारी यूनिट होती है ये कंट्रोल यूनिट होती है। किसके साथ कनेक्ट होती है, कंट्रोल वर्ड्स और स्टेटस वर्ड्स, स्टेटस वर्ड्स स्टेटर को शो करेंगे, कंट्रोल वर्ड्स के कंट्रोल को शो करेंगे, डाटा बफर डाटा को शो करेगा, जो भी हमारी डी, इसमें जो D0 से D15 डाटा बस यूज होते हैं, टोटल 16। और ये जो एड्रेस के साथ होती है, वैसे तो ये जो डाटा बसेज होती हैं हमारे बाई डायरेक्शनल होते हैं। नेक्स्ट है एड्रेसिंग एंड बस ट्रैकिंग, जो कि स्टेटस के साथ, और एग्जीक्यूशन पॉइंटर जो कि एड्रेस के साथ कनेक्टेड होती हैं। अब कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, कंट्रोल यूनिट का काम रिसीव करना इंस्ट्रक्शन जो भी आई है, उससे उस इंस्ट्रक्शन को डीकोड करना, उसे रीड करना या राइट करना, जो मेमोरी ऑपरेंड है उसे रीड राइट करना और एग्जीक्यूट करना, जो 8087 कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है उसे एग्जीक्यूट करना, ये कंट्रोल यूनिट का काम होता है। जो भी हमारी दो यूनिट्स हैं, कंट्रोल यूनिट और जो भी हमारी न्यूमेरिकल एग्जीक्यूशन यूनिट है, वैसे तो ये दोनों यूनिट जो होती है वो असिंक्रोनसली वर्क करती है एक दूसरे के साथ, लेकिन जो कंट्रोल यूनिट होती है
वो रिस्पॉन्स जो रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज के लिए, जो भी हमारी सीपीयू और मेमोरी के बीच में कम्युनिकेशन होती है उसे एस्टेब्लिश करती है कंट्रोल यूनिट। और जो भी इंटरनल को प्रोसेसर एग्जीक्यूशन होगी उसमें कोऑर्डिनेट करेगी। ये तो कंट्रोल यूनिट है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट यूनिट, ये जो होती है न्यूमेरिक कंट्रोल यूनिट होती है। न्यूमेरिक कंट्रोल यूनिट जो कि प्रोग्रामेबल सिस्टम, अर्थमेटिक मॉड्यूल्स, अर्थमेटिक मतलब जो एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी अर्थमेटिक मल्टीप्लिकेशन अर्थमेटिक फंक्शंस होंगे, और टेम्पोररी रजिस्टर जो टेम्पोररी स्टोर कर, ये रजिस्टर स्टैक के साथ कनेक्टेड होंगे। और ये है हमारा माइक्रोकोड यूनिट और एक्सपोनेंट मॉड्यूल्स। ये जो चीज होती है ये एक्सपोनेंट बस को शो करती है और ये फ्रैक्शन बस को शो करेगी। और ये है हमारा क्यू जो कि ऑपरेंड क्यू होती है, जो इंस्ट्रक्शन आती है वो क्यूज में आती है, लाइन वाइज आती है। और ये शो होते हैं टैग वर्ड्स। टैग वर्ड का अपना ही एक अलग काम होता है जो कि टू बिट्स से जिन्हें शो किया जाता है एक टैग को, और वो टू बिट्स आइडेंटिफाई करती हैं कि कौन सा फंक्शन परफॉर्म होगा। अब देखिए बात कर रहे हैं न्यूमेरिक कंट्रोल यूनिट की। ये जो यूनिट होती है ये सारे न्यूमेरिक जो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस होती हैं उन्हें क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है। न्यूमेरिक कंट्रोल यूनिट नाम से ही इसका न्यूमेरिक कंट्रोल यूनिट है। देखिए ये जो दोनों यूनिट्स हैं ये असिंक्रोनस होंगी, दोनों यूनिट असिंक्रोनस होती हैं एक दूसरे के साथ। जो सीपीयू होता है जो फेच करता है इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से और उन्हें मॉनिटर करता है डाटा बसेस में और 8087 को प्रोवाइड करता है, यानी 8087 इंस्ट्रक्शंस से वो उसे चेक करता है 8087 की कोई इंस्ट्रक्शन आई है या नहीं। 8087 की जो कंट्रोल यूनिट होती है वो इंटरनली मेंटेन करती है पैरेलल क्यू को और आइडेंटिटिकल होती है हमारी स्टेटस क्यू को, जो क्यू जो होती है हमारी मेन सीपीयू की, यानी कि ये क्यू होगी ये वाली चीज, और इसको मेंटेन करती है कंट्रोल यूनिट पैरेलली। देखिए जो 8087 है इसकी दो पिंस होगी जो कि होगी QS0 और QS1, जो क्यू स्टेटस को जो लाइंस होती है क्यूज में जो इंस्ट्रक्शन आते हैं उन्हें शो करती हैं। इसमें वो शो नहीं किया, उसके पिन डायग्राम में ये करेंगे हम। ये जो पिंस होंगी ये जो हमारा आइडेंटिफाई इंस्ट्रक्शन फेच होगी उसे शो करेंगी होस्ट सीपीयू के थ्रू और आइडेंटिफाई करेंगी को प्रोसेसर को शो करेंगी ये इंस्ट्रक्शन। और एक पर्टिकुलर कोड का यूज होता है, एक एस्केप कोड होता है जिसका यूज करके वो 8087 को ये शो करती है कि कोई इंस्ट्रक्शन आई है। जो सीपीयू होता है वो रिकॉग्नाइज करता है एक एस्केप कोड को और ट्रिगर करता है एक एग्जीक्यूशन के लिए, जो न्यूमेरिक प्रोसेस इंस्ट्रक्शन है 8087 में उसे एग्जीक्यूशन के लिए ट्रिगर करता है। देखिए इसमें क्या होगा, जब भी एग्जीक्यूशन होगी उस टाइम पे जो एस्केप कोड आइडेंटिफाई होगा को प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को, वो क्या करेगा, वो मेमोरी ऑपरेंड्स को जो रिक्वायर्ड मेमोरी ऑपरेंड्स है उन्हें शो करेगा। वैसे तो उनको किसी जो 8087 है किसी ऑपरेंड की जरूरत नहीं होती, मेमोरी ऑपरेंड की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर किसी इंस्ट्रक्शन में मेमोरी ऑपरेंड की जरूरत हो जाती पड़ती है 8087 को मेमोरी से फेच करने के लिए किसी इंस्ट्रक्शन को, तो उस टाइम पे जो फिजिकल एड्रेस होगा ऑपरेंड का उसको जो 8086 की जो एड्रेसिंग मोड है उसके थ्रू कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है ना। 8086 के थ्रू उसे कैलकुलेट किया जाता है, वैसे तो उसे ऑपरेंड की जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन अगर किसी में जरूरत पड़ जाती है तब उसका यूज किया जाता है। देखिए जो को प्रोसेसर होगा इंस्ट्रक्शन जो होगी वो उसमें अगर जो हमारा 8087 है जब भी वो कोई डायरेक्ट एग्जीक्यूशन करता है एग्जीक्यूट करता है किसी इंस्ट्रक्शन को तो वो उसके ऑपरेंड का यूज नहीं करता। जो 8087 है वो रेडी होता है और एग्जीक्यूट करता है और इसका रिजल्ट को शो करता है। उस टाइम पे जो कंट्रोल यूनिट होती है वो कंट्रोल कर लेती है सारी बसेस को 8086 की, जो 8086 की बसेस है ना जब वो एग्जीक्यूट करता है तो उसे कंट्रोल कर लेती है और एग्जीक्यूट करती है एक राइट साइकिल को, जो राइट रिजल्ट होगा वो मेमोरी में जाएगा। अब देखिए जो न्यूमेरिक एग्जीक्यूशन यूनिट होती है
जो हमारी सारी अर्थमेटिक लॉजिकल और ट्रांस जो हमारी मल्टीप्लीकेशन या डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन होती है इनका यूज किया जाता है। ये जो होगी ये सारा जो पार्ट है ये न्यूमेरिक कंट्रोल यूनिट को शो कहते हैं। ये वाली जो चीज है ये रजिस्टर्स टैग होगा। इसमें जो इंटरनल डाटा बस है वो 84 बिट्स की होगी, जिसमें से 68 बिट फ्रैक्शंस होंगी, फ्रैक्शन को शो करेंगी, यानी ये फ्रैक्शन को 68 बिट फ्रैक्शन को शो करती है। और उसके बाद जो 15 बिट्स होगी वो एक्सपोनेंट को शो करेंगी, एक्सपोनेंट को शो करेंगी 15 बिट्स, और जो 1 बिट बचेगी वो साइन बिट शो करेगी। जब भी NEU यानी न्यूमेरिक एग्जीक्यूशन यूनिट एग्जीक्यूट होती है ये करती है एक एक बिजी सिग्नल को पुल अप करती है। बिजी सिग्नल जो कि कंट्रोल होता है टेस्ट पिन के थ्रू 8086 की। अगर बिजी सिग्नल जो 8087 का बिजी सिग्नल होता है तो सीपीयू ये रिकॉग्नाइज करता है, उसे ये पता लगता है कि जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट है अभी कंप्लीट नहीं हो सकती क्योंकि 8087 फिलहाल बिजी है। इस कंडीशन में जो 8086 होता है वो वेट करता है, कब तक कि जब तक कि जो टेस्ट इनपुट पिन है वो लो नहीं हो जाती, तब तक वो वेट करता है। और जो माइक्रो कोड कंट्रोल यूनिट होती है ये वाली माइक्रो कोड कंट्रोल यूनिट कोड सिग्नल्स को इसका जनरेट करने का इसका काम होता है, जो कोड सिग्नल्स को जनरेट करती है जो कि 8087 को जरूरत पड़ती है, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है उसकी उसके लिए उसको जरूरत पड़ती है, क्योंकि 8087 कंटेन करता है प्रोग्रामेबल शिफ्टर को जो रिस्पॉन्सिबल होता है शिफ्टिंग, जो ऑपरेंड ड्यूरिंग ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन होती है उन्हें शिफ्टिंग में यूज करता है। तो ये तो इंटरनल आर्किटेक्चर हो गया 8087 का। लास्ट इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका पिन डायग्राम करेंगे ताकि इसकी जो पिंस है आपको इजीली क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।